जय हिंद दोस्तों। 9 दिसंबर 2020 को फाइनली यूनियन कैबिनेट में अप्रूव हो गया है केएलआई प्रोजेक्ट। केएलआई का मतलब होता है कोचीन लक्षद्वीप आइलैंड प्रोजेक्ट। कोचीन लक्षद्वीप आइलैंड प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली कोचीन से लेकर लक्षद्वीप तक के बीच में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के प्रोजेक्ट को हम लोग कहते हैं केएलआई, यानी कोची लक्षद्वीप आइलैंड प्रोजेक्ट। तो चलिए आज बात करते हैं इसके बारे में, एक एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर क्लास में मैंने आपको बताया था कि पूरा वर्ल्ड जो है आपस में कनेक्टेड है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही हम इंटरनेट का यूज करते हैं बहुत ही हाई स्पीड में, क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटली उसमें लाइट पास कर रही है, उसकी जो स्पीड है और कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है, मतलब उसकी 100 Gbps तक की कैपेसिटी है, बहुत ही हाई कैपेसिटी है, जिसकी वजह से हम लोग हाई स्पीड डेटा का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। ऐसे में इंडिया तो पूरा जो लैंड वाला एरिया है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में, लेकिन जो अंडमान निकोबार था और जो लक्षद्वीप है, ये सब जो आइलैंड है, ये हमारे कहीं ना कहीं हमारी कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाई थी। ये है तो इंडिया के पार्ट, लेकिन समुद्र की वजह से ये हमसे थोड़ा अलग हो जा रहे हैं ये पार्ट, तो इन पर नजर बनना जरूरी था हमारे दुश्मन के पर्सपेक्टिव से, चाहे तो हमारे एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वहाँ के लोग भी हमारे ही लोग हैं और वहाँ का जो विकास है वो करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी यहाँ से वहाँ इन आइलैंड तक बिछाने की बहुत बहुत जरूरत थी, ताकि इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, और एक बार इंटरनेट अच्छा हो जाएगा तो हमारा लेवल अपने आप डेवलपमेंट का बनना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहले CANI प्रोजेक्ट आया, जो कि मैंने आपको उस क्लास में बताया था, मतलब कि चेन्नई अंडमान निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। तो इसके थ्रू 1200 कुछ करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें चेन्नई से लेके अंडमान निकोबार तक की ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को बनाना था समुद्र के रास्ते, और ये बन चुका है फाइनली, और ये BSNL ने कर दिखाया, और BSNL को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इस चीज़ के लिए। फाइनली KLI प्रोजेक्ट भी जो इंडिपेंडेंस डे आया उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि जो 1000 दिन के अंदर अंदर वो KLI प्रोजेक्ट को भी इनॉग्रेट कर देंगे, मतलब 1000 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। और जो है KLI प्रोजेक्ट क्या है, मतलब कोचीन लक्षद्वीप आइलैंड प्रोजेक्ट, मतलब कोचीन से लेके लक्षद्वीप तक भी हम एक ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी बिछा देंगे, और फिर हम लोग कोचीन में तो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है ही, जो आप सबमरीन केबल मैप जो साइट है उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर है, कोचीन केरला आपका चेन्नई वगैरह में है, तो यहाँ से आपका ऑप्टिकल फाइबर यहाँ तक आ ही गया, यहाँ से आप इनको यहाँ तक बिछाना है, मतलब केबल समुद्र के रास्ते बिछा देना आपको, ठीक है। अब लक्षद्वीप जो है उसका ओरिजिनल नेम है, मतलब ओरिजिन नेम है, वो है लक्काद्वीप। लक्काद्वीप का मतलब होता है कि 1 लाख। अब पता नहीं उस जमाने का कौन सा फिलोसफर था, क्या था, उसने 1 लाख बता दिया, लेकिन एक्चुअल में 1 लाख आइलैंड नहीं है, ये टोटल 36 आइलैंड का है, और 11 जो आइलैंड है वो इसके मेजर आइलैंड्स हैं, जो कि मेन आइलैंड्स हैं जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर बिछेगा। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, सबका हर एक आइलैंड तक का डिस्टेंस भी इसने बता रखा है कि ये इतना डिस्टेंस है कोचीन से, तो 200 से 400 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है। से लेकर लक्षद्वीप तक का समुद्रग्रस्त ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया तो फिर बहुत बड़ा ज्यादा डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा काम होगा, और साथ ही साथ डेवलपमेंट होगा, सिक्योरिटी भी बची रहेगी, मतलब कोई भी हमारा अगर कोई भी अचानक से हमला हो जाता है या कहीं से कुछ भी कोई ऐसी घटना होती है या फिर, तो हम आराम से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। अभी तक कनेक्टिविटी उतनी सिक्योर नहीं थी, उतना फास्ट नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को सपोर्ट मिलेगा तुरंत के तुरंत, अगर हमसे कोई सपोर्ट उनको चाहिए होगा लक्षद्वीप को इंडिया से, तो तुरंत के तुरंत हमारी इंडियन नेवी या जो भी है उनका सपोर्ट करने जा सकती है, अगर कम्युनिकेशन अच्छा रहा तो इस मामले में बहुत ही बेहतरीन एक कदम है सरकार का, जो कि उन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंस डे में कह दिया है उन्होंने 1000 दिन के अंदर इसको पूरा करेंगे, और ऐसा जो लागत है वो करीब 1000 करोड़ के आसपास आएगा इसको बिछाने का ऑप्टिकल फाइबर। और अभी फाइनली 9 दिसंबर 2020 को KLI का प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव भी हो गया यूनियन कैबिनेट में, तो ये और अच्छी बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो, अभी तक एक्सपेक्टेड डेट है कि मई 2023 तक में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है, को फंड कौन दे रहा है और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कौन कर रहा है। तो सबसे पहली बात है, जो BSNL है जिसने अंडमान निकोबार से लेकर चेन्नई तक का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया था, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट BSNL ने किया था, और इस प्रोजेक्ट को भी BSNL ही उठा रहा है। साथ ही साथ अब फंडिंग की बात करते हैं, तो इसका फंडिंग जो है वो USOF कर रहा है। अब USOF क्या है? USOF स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, मतलब ये जो एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ना इंडिया में, ये सब लोग को अपना सर्विस देते हैं मतलब इंडिया में, उसके बदले सरकार इनसे टैक्स मांगती है, मतलब कुछ परसेंट इनको टैक्स इनको देना पड़ता है, तो वो जो टैक्स कलेक्ट करता है वो ये करता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, और फाइनली वो जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें ये फंडिंग करता है। जैसे कि ये
CANI प्रोजेक्ट हुआ, चेन्नई अंडमान निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट हुआ, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड प्रोजेक्ट हुआ, तो मतलब KNI प्रोजेक्ट हुआ, ये सब जितने प्रोजेक्ट वगैरह हुए ना इन सब में फंडिंग वगैरह करता है, तो ये एक तरह से टेलीकॉम ऑपरेटर से ही फंडिंग लेता है। तो होप आज के इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिला होगा, आपको समझ में आया होगा KLI प्रोजेक्ट क्या है, CANI प्रोजेक्ट क्या है और इससे हमको कितना ज्यादा बेनिफिशियल ये कदम है एक तरह से सरकार का। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।